बात करें अगली खबर की तो कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सांसद प्रत्याशी बनने के बाद कवर्धा पहुंचे, जहां उन्होंने मां विंध्यवासिनी मंदिर, मां महामाया मंदिर और बाबा भोरम देव के दर्शन किए। इस बीच भूपेश बघेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पत्रकारों से चर्चा की। उन्होंने भाजपा पर तीखा प्रहार कर महतारी वंदन योजना पर कहा कि 3 माह बीते जाने के बावजूद अब तक लगभग 1 करोड़ महिलाओं को पैसा नहीं मिला है। सरकार बनने पर भाजपा ने कहा था कि सरकार बनते ही अपना वादा पूरा करेगी। इसके साथ ही कवर्धा में हुए हत्या के मामले में भाजपा पर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि गृह मंत्री का गृह जिला होने के बाद भी कोई सुरक्षित नहीं है। कवर्धा से प्रहलाद साहू की रिपोर्ट। गारंटी तो थी लेकिन वही तो बात मैं कह रहा हूँ, मिला क्या? अभी 400 रुपये सिलेंडर देने की बात कही थी, मिला? उन्होंने गारंटी दी थी कि नगद भुगतान होगा 3100 रुपया हर पंचायत में होगा। किसी पंचायत में 11000 से अधिक पंचायत, एक भी पंचायत में बता दो कि 1 रुपये भुगतान किसी किसान को हुआ हो। ये मोदी जी की गारंटी, हर गृहिणी मतलब हर शादीशुदा महिला को आप 1000 रुपया महीना देंगे। आज 3 महीने बीत गया, कितने लोगों को मिल पाया? तो क्या सबको मिला है? भाई 3 करोड़ जनसंख्या है, आधी आबादी महिलाओं के, 1.5 करोड़ होता है। यदि 50 लाख भी मान लें जो अविवाहित हों तब भी 1 करोड़ महिलाएं हैं। ये तो भाषण देते थे, भूपेश बघेल की पत्नी भी है, हम लोग देंगे 12000 रुपये महतारी वंदना के, सबके बारे में बोलते थे। अब विष्णुदेव साहब बताए उसकी पत्नी को मिल रहा है कि नहीं मिला, तो ये पहले अपने बता दो ले। उस समय तो बोलते थे, बड़ी बड़ी बात करते थे सबके पत्नी को। आप लोग बताएं कि आपके घर में मिला है क्या किसी को?